आज मैं आपको बताना हूँ चालान कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद चालान में से डायरेक्टली बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटअप में, कंपनी सेटअप में, यहाँ पे एडवांस सेटअप में, यहाँ पे चालान रिक्वायर्ड, यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे सेल एंट्री में, सेल चालान में यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे डेट, यहाँ पे चालान नंबर, तो यहाँ पे हम एक दो चालान क्रिएट कर लेते हैं। हमने दो चालान क्रिएट कर लिए है। अब इसमें से हम बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सेल एंट्री में जाइए, यहाँ पे बिल फ्रॉम चालान पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे GST टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे डेट डाल दीजिए और यहाँ पे आपने जितने भी चालान यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो गई है। यहाँ पे आप अल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। हमने फिलहाल के लिए दो चालान क्रिएट किए हैं, तो अगर हम इसके लिए हम बिल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले उसके सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और ये टैप कर दीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी जो भी आइटम अपने चालान में क्रिएट की है और GST भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिल बना सकते हैं चालान में से।